नवेद मुझे एक लाइन में ये बताइए, आपके रामगोपाल जी ने कहा कि डिंपल की उम्मीदवारी शिवपाल यादव की सहमति से तय हुई, एक दूसरी बात उन्होंने कही कि उनको भी कहा गया कि वो नॉमिनेशन में रहें। अगर उम्मीदवारी सहमति से हुई तो नॉमिनेशन में रहना चाहिए था एक, और अगर सहमति से हुई तो फिर ये सांप सीढ़ी क्यों खेली जा रही है छुपम छुपाई, कि शिवपाल जी ने प्रवक्ताओं से कहा कि आप मत बोलना अभी 24 घंटे चुप रहो, ये फिर जी आप मुझे लगता है कि कुछ घंटों के अंदर शिवपाल यादव जी रामगोपाल जी को करारा जवाब देंगे, क्योंकि सारा फैसला कुछ घंटों के अंदर ही होना है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी जब उतरेंगे सामने आएंगे तो उस वक्त ही जो रूप है जो जो फैसला है शिवपाल का वो सामने आएगा, और मुझे लगता है कि बहुत करारा, क्योंकि मेन चीज जिस तरह से मुख्य धारा में लाए जा रहे हैं रामगोपाल, और रामगोपाल से ही शिवपाल यादव का 36 का आंकड़ा है, और उनको हमेशा यह महसूस होता है कि अखिलेश यादव से मेरी दूरी बनाने के लिए रामगोपाल ही आते हैं इस प्रकरण में भी, और डिंपल का टिकट तय हो जाने से लेकर मौजूदा समय में भी रामगोपाल को अखिलेश बहुत आगे किए हुए हैं, और जिस तरह उन्होंने हंस हंस के मुस्कुरा के बहुत कठिन समय में बहुत सदमे के समय में बहुत कड़े फैसले में वो कह लगा रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब शिवपाल देंगे और बहुत कड़ा जवाब देंगे जी। मुझे लगता है जो बात नवेश को करे शैलेंद्र जी आपको बता रहा हूँ, कड़ा देव नरम देव गरम देव ठंडा देव, बहुत समय तक ये पत्ता हाथ में नहीं रहेगा, ये बात शिवपाल यादव को समझ लेनी पड़ेगी। मैंने कहा शैलेंद्र जी शिवपाल यादव के संदर्भ में अभी जो दिख रहा, बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितनी व्यग्रता उत्तर प्रदेश भर के राजनेताओं की समझने में कि शिवपाल क्या करेंगे है, ऐसी व्यग्रता वाला उनके लिए शायद ये आखिरी चुनाव होगा शिवपाल जी का, बाकी फिर कहीं चुनाव हो शिवपाल जी की पार्टी लड़े नहीं लड़े वो लड़े नहीं लड़े बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा लोगों का, उनके भी उनके भी कुर्ते की जेब में एक ही बारी कार्ड आया है। शैलेंद्र भी आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं। उसका कारण यह है कि अभी तक जब तक नेताजी जीवित थे तो कहीं ना कहीं उनका इमोशनल जो कार्ड रहता था, जिसकी वजह से उन्होंने चाहते हुए चाहे अपना भले ही राजनीतिक दल बना लिया हो लेकिन चुनाव जितने भी हुए वो समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़े, चाहे वो विधानसभा चुनाव पिछला रहा हो या लोकसभा चुनाव जो भी मतलब चुनाव है। अब नेताजी की अनुपस्थिति में और जिस तरह से उनका उम्र का पड़ाव है तो मुझे नहीं लगता अब शिवपाल जी के लिए किसी भी तरह की कोई गुंजाइश है, क्योंकि अब किसी भी तरह की देखिए उनका ये जग जाहिर है कि जो उनका जो 36 का आंकड़ा है वो रामगोपाल जी के साथ में है, और जब उनकी कोई कंसेंट नहीं ली गई है न किसी तरह से वो है, और शिवपाल जी जिस लोकसभा से नॉमिनेशन करने जा रही है डिंपल, तो आमतौर पर जो ये देखा जाता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग विधायक होते हैं वो सब शामिल होते हैं, जो जसवंत नगर एक विधानसभा सीट है जो, तो उनका अनुपस्थित होना ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है जी, तो ठीक। लेकिन लेकिन एक बात खड़ी होती है कि सुबह ये अभी के पहले मैं सुबह वाले बयान की चर्चा कर रहा हूं, सुबह 8:30 बजे रामगोपाल यादव ने बयान दिया, ये बोला कि शिवपाल यादव से पूछ के फैसला किया डिंपल को लड़ाने का एक, और दूसरा उनसे भी कहा कि नॉमिनेशन में रहो। सुबह 8:30 बजे बाद पब्लिक डोमेन में आ गई, और अब बज रहा है 5:15, अब तक खंडन तो किया नहीं शिवपाल यादव ने, ऐसा तो नहीं सो रहे अभी जगेंगे रात में, ऐसा तो है नहीं कि सुबह 8:30 बजे से सोए और अब तक सोते जा रहे हैं, खंडन करना चाहिए था, नहीं तो जब तक खंडन नहीं करते तब तक रामगोपाल यादव की बात मानी जानी चाहिए। जो लोग ये कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल कार ऊंट और घोड़ा चारों की सवारी एक साथ कर लें, उनके लिए कई बार मुश्किल हो जाती है, कोई एक सवारी चुन लो, घोड़ा चला पाओ घोड़ा में बैठ जाओ, ऊंट चला पाओ ऊंट बैठ जाओ, मोटरसाइकिल चलाने की हैसियत मोटरसाइकिल में, कार चला पाओ कार बैठ जाओ, अन्यथा फिर बाद में पैदल ही चलना पड़ता बाबू, साइकिल सवारी सब गायब हो जाती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है, बाकी तो ठीक ही ठीक है। उमेश यादव जी, आपकी पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किया मैनपुरी में, जबकि लोग मान रहे थे कि पूरब से मैनपुरी तक ओम प्रकाश भाई कहाँ आएंगे, लेकिन आप सबसे पहले आए
और सारा गुणा गणित करके वही दफ्तर खोल दिया, फीता काटा, लड्डू बांटे और कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया। लोग चौंक रहे, करे भाई मैनपुरी से राजभर जी का इतना प्रेम क्यों? यादव जी मैं आप सुन पा रहे हैं सर जी? देखिए अभी जब 26 अक्टूबर से हम सावधान यात्रा लेकर निकले तो इसी 8 अक्टूबर को जी 26 सितंबर से जब हम निकले तो 8 अक्टूबर को मैनपुरी की इस धरती पर हमको भारी बरसात लगातार पिछले 36 घंटे बरसात होने के बाद जब हमारी सावधान यात्रा की रैली हुई जी। तो आप स्पष्ट बना के देख लीजिए 2500 लोग वहां पर थे, 11 बजे तक तो हम मूसलाधार बारिश के बाद 3 बजे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पहुंचे तो लोगों ने प्रेम स्नेह और समर्पण की बात की, उससे हम लोगों में उत्साह आया। लोग वहां के कार्यकर्ताओं का आम जनता का सुझाव आए कि आपको निश्चित घोषणा कर दी ना भीड़ देख के। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सलाह के बाद घोषणा की और जो जनता ने प्रेम दिया सावधान रैली के अंतर्गत उसके आधार पर किया, और हमने उनको टिकट दिया जिनको राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जाती है। हमने सबसे पहले रमाकांत कश्यप को, जो एक युवा चेहरा है हमारी पार्टी के, उनको टिकट दिया। हमने संदेश दिया कि ये जो पार्टी है उन जातियों को जिनको कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाती थी सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज किए जा रहे थे, हमने सबसे पहले ठीक। अब बाकी तो 8 दिसंबर को पता लगेगा कि क्या है, कितनी हिस्सेदारी है, कितना जनसमर्थन है, वो तो 8 को पता लगेगा। लेकिन खेल अच्छा है, ठीक है। राजभर जी इस बात को जानते हैं कि जहाँ खेल में कुछ रोचकता हो, कुछ सस्पेंस हो, वहाँ जाके रुमाल रख दे। नहीं होता बस में पहले रुमाल रख देते, झोला रख देते, भाई हम भी चलेंगे तो ठीक है, देखा जाएगा जो कुछ होगा, लेकिन आनंद तो आएगा ही, कुछ नहीं आएगा वो ठीक है। अच्छा विषय एस ठीक ठीक भैया। अरे हम अपनी पहचान, अरे रुक जाओ, अरे इतना आसान पहचान होती तो फिर टीवी के जरिए सबकी पहचान नहीं बन गई होती, ऐसा भी नहीं करो यार। 85 साल लग जाते तब कहीं पहचान बनती बाबू। अभी आप लोग कितने चुनाव देखे हो, 50 साल कल्याण सिंह संघर्ष किए तो भाजपा पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, पता है? मुलायम सिंह 50 साल संघर्ष किए तो समाजवादी पार्टी पैदा हो पाई। 1-2-4-10 दिन में होता है कि यहां चुनाव लड़ लिया, वहां चुनाव लड़ लिया, हो गया। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन इतना भी अभी भारत की राजनीति मैगी नहीं हुई कि 2 मिनट में बन जाए, ये रोटी दाल है, इसमें तो फिर समय लगेगा। खैर मेहंदी साहब, सबसे बड़ा सवाल, 5 में से 2 विधायक भाजपा के, 3 आपके, टेक्निकली क्या 3 विधायक, तीनों विधायक साथ क्यों नहीं थे नॉमिनेशन में? होना चाहिए, इतना इससे बड़ा नॉमिनेशन तो नहीं हो सकता कि डिंपल जी का पर्चा भरा जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद हो डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के ऑफिस में। अभी तक तो किसी बाई इलेक्शन में अखिलेश जी निकले ही नहीं, पहला है जब वो निकले हैं, और निकले हैं और सारी कमान अपने हाथ में ली, तब भी एक विधायक अनुपस्थित। मेहंदी साहब, और चुनाव में अमिताभ जी और इस चुनाव में बड़ा फर्क है, क्योंकि ये 24 का जो चुनाव होने जा रहा है, देश की तस्वीर को बदलने का जो 24 का चुनाव होगा, उस चुनाव की इबारत लिखेगा ये मैनपुरी का उपचुनाव। अब सवाल इस बात का है, अभी आपने एक बात कहा कि अखिलेश जी और सब चुनाव में गए, इसमें नहीं गए, उसमें गए, ये समझ लीजिए 24 का महासंग्राम शुरू हो चुका है। अच्छा। दिल्ली की सरकार का विदाई का समय आने वाला है, उसी का ये पहला चुनाव है जी। ये मैनपुरी के चुनाव से देश की दिशा दशा तय होगी, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में जाएगी, ये मैनपुरी का उपचुनाव आने वाली 24 की इबारत लिखेगा। अच्छा अच्छा, अगर मेहंदी साहब एक सवाल मेरे जहन में आ गया, आपने इतनी बड़ी लकीर खींची कि अगर आप जीते तो हम ये मान लेंगे कि भाजपा दिल्ली से भी जाएगी और सब जगह से जाएगी, जहां जहां भी बैठी है, ठीक, इबारत लिख गई, मान लेंगे आपकी बात अक्षरशा। लेकिन एक सामान्य सवाल खड़ा होता है इसमें, एक सप्लीमेंट्री, कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ और ये भाजपा वाले जीत गए मैनपुरी, है ना, तो फिर ये मान लें कि फिर समाजवादी पार्टी गई सब जगह से जहां भी है, प्रधानी तक का मामला खत्म,
नहीं फिर देखा दोनों नहीं, कड़वा मीठा दोनों एक साथ तो नहीं चलेगा। वही बात, उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। वहां की जनता, मैनपुरी की जनता नेताजी के आदर्शों पर, नेताजी के उसूलों पर, नेताजी के संघर्ष पर, आप सबको पता है माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक। ऐसे में जब उनकी बहु चुनाव लड़ रही है नेताजी, बिल्कुल ठीक बात, तो वहां पर बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐतिहासिक वोटों से भैया मेहंदी साहब ठीक चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। इतिहास बनेगा इतने बड़े अब इतना आगे नहीं जीता। अभी इतिहास तक नहीं जाओ, अभी भूगोल पे रहो। इतिहास में मामला फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। 8 तारीख बहुत दूर तो है नहीं, 8 दिसंबर थोड़ा थोड़ा में चल जाएगा। मैं एक बात कहूं फिर मैं त्रिवेदी जी के पास आऊंगा। मेहंदी साहब ने कुछ बातें कही, सबका सम्मान करते हुए मैं एक जानकारी दोबारा से पुनर्प्रेषित कर रहा हूं। जो लोग आंकड़ों को से में रुचि रखते हैं उनको पता हो, 2019 का लोकसभा चुनाव था, नेताजी से बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं समाजवादी परिवार में। ठीक, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, मायावती से अलायंस था, करीब 2 लाख दलित है इस इलाके में लोकसभा में। मायावती से अलायंस ही नहीं था, केवल मायावती ही खुद गई थी मैनपुरी रैली करने मुलायम सिंह जी के पक्ष में, और मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ के उठवाया भी था कि भाई इनको वोट दो। तब 5 विधानसभा, मेरी बात को धैर्य से सुन लेंगे त्रिवेदी जी, आऊंगा आपके पास, बाकी सुन सब ले ताकि आगे की अभी तो बहस चलेगी 8 दिसंबर तक मैनपुरी की, तो सबको रहे तथ्य। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, भोगांव, किशनी, करहल, जसवंत नगर, मैनपुरी सदर। ठीक, नेताजी जैसा आदमी लड़ रहा, टॉलेस्ट परिवार में, मायावती से अलायंस, मोदी ने वहां प्रचार करने जाने से मना कर दिया, वो भी है ना महत्वपूर्ण बात कि नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, लोगों ने मना कर दिया, मैं मुलायम सिंह के खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक, तब नेताजी 92,000 से जीते हैं, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, 92,000, और उसमें 62,000 के लगभग की जीत लीड जसवंत नगर से आई थी, जिनके विधायक आज मौजूद नहीं थे। नेताजी के 92,000 की जीत में 62,000 की जीत अकेले जसवंत नगर से आई थी, बाकी कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से तो हार ही गए थे मुलायम सिंह जी। कुछ लीड किशनी से आई, कुछ करहल से आई, और 62,000 की जीत आई शिवपाल के विधानसभा क्षेत्र से। यह तथ्य भी हमको ध्यान रखना चाहिए, बड़ा तथ्य है ये।